नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप बात करेंगे आपके RRC ग्रुप डी 2019 के 21 जून में जो है अब तक कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ जो है वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आपके कितने कितने सीट पर जो है कितने छात्र जो है क्वालिफाई करेंगे, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से जो है मैंने डाटा यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। कोई भी फेक डाटा नहीं है। मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है, पूरे जोन का, किस जोन में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, कहाँ पर कम देखने को मिल सकता है, सभी चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आपकी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे किस जोन में कितने फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहला जोन है जयपुर, ठीक है। जयपुर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी वैकेंसीज यहाँ पर जो है 5,249 यहाँ की वैकेंसी है आपके, और यहाँ पर जो है अभी जो फॉर्म भरे गए हो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोड जो है यहाँ पर 1190 जो है इसका कोड है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म भरे गए 6,62,463, ठीक है, यहाँ पर इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक सीट पर जो है 126 छात्र जो है क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कंपटीशन आप लोगों को 126 लोगों के साथ कंपटीशन आप लोगों को यहाँ पर करना होगा, ठीक है। दूसरे जोन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे जोन में देखेंगे कितने फॉर्म आए हैं। सेकेंड जोन है हमारा न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ पर अगर मैं फॉर्म फिलअप की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर 1271 यहाँ का जो है कोड है, ठीक है, सॉरी 127 जो है यहाँ पर आपका कोड है। और यहाँ पर देख सकते हैं 13,13,655 यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है, 13,13,655 यहाँ पर फॉर्म अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। ये डाटा आप लोगों को जो बता दूँ, सुबह 6 बजे तक का जो है आपको डाटा बताया जा रहा है, ठीक है, 10 अप्रैल 2019 सुबह 6 बजे तक, ठीक है। ये डाटा मतलब आप सुबह 6 बजे के बाद जो फॉर्म फिलअप होंगे उसका डाटा जो है मैं लगभग 12 बजे की वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको देखेंगे तो 99 छात्र जो है प्रत्येक सीट पर आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई करते समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगले जोन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जोन है बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 1664 आपकी टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पर जो है 119 जो है प्रत्येक सीट पर क्वालिफाई, मतलब 119 लोगों से जो है आपको कंपटीशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 9,08,036 यहाँ पर फॉर्म आए हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है डाटा इतना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है 1,98,036 यहाँ पर आपके फॉर्म आए हैं, ठीक है। तो 1210 यहाँ का कोड है और 1,98,000 यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। अगले जोन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपका 119 जो है आपके प्रत्येक सीट पर जो है आपको छात्र क्वालिफाई करते समझ में आने वाले हैं। अगला जोन है यहाँ पर इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद की अगर यहाँ पर बात करूँ तो टोटल वैकेंसी है 4,730 और आपकी जो है 136 जो है यहाँ पर एक मतलब 136 व्यक्तियों के साथ आपको कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितने फॉर्म आए, तो 6,47,784 यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। ये जो डाटा है आपका 10 अप्रैल सुबह 6 बजे से पहले का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने फॉर्म अभी तक जो है फिलअप हो चुके हैं। अगला जोन है यहाँ पर गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसीज है 2,894, ठीक है, 2,894 आपकी वैकेंसी है और 84 जो है यहाँ पर प्रत्येक सीट पर जो है कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फॉर्म की बात करूँ तो 2,44,562 आपके फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, 2,44,562। दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और NTPC की, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। और उससे पहले एक जानकारी आप लोगों को ये दे दूँ, अगर आपने जो है RRB NTPC, ठीक है, RRB NTPC के जो पिछले ये मतलब पिछले साल के 60 शिफ्टों के जो है लगभग 500 क्वेश्चन जो है, सॉरी कहना चाहिए 1500 पेज, ठीक है, 1500 पेज का जो PDF डाउनलोड नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर 2018 में आपकी जितनी भी रेलवे की एग्जाम हुई थी, RPF कांस्टेबल की या फिर आप ग्रुप डी की कह सकते हो या फिर ALP की, तीनों का जो है जो क्वेश्चन आपके बने थे या फिर जो पेपर आए थे उनका जो है PDF मैंने फ्री में आप लोगों को दिए रखा है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए जो है बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। अगले जोन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जोन यहाँ पर है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर का बात करूँ तो यहाँ पर भुवनेश्वर में आपके वैकेंसी है
2555, ठीक है, 2555 वैकेंसी है। और आपका यहाँ पर टोटल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 2,34,807 यहाँ पर आपके फॉर्म आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 91 छात्र जो है आपके प्रत्येक सीट पर क्वालिफाई करने, मतलब एक सीट पर जो है आपको 91 छात्र यहाँ पर कॉम्पिटिशन में रहेंगे, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर का है, ठीक है, भुवनेश्वर का देख सकते हैं यहाँ पर 2,34,807 जो है यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अगले जोन की तरफ बढ़ेंगे, अगला जोन कौन सा है, अगला है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4,002 टोटल वैकेंसी है आपकी जो है, और यहाँ पर फॉर्म की बात करूँ तो 4,23,106 यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो है एक सीट पर 105 छात्र यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन में समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगले जोन की तरफ देखेंगे, अगला जोन कौन सा है, अगला जोन है आपका हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर की बात करूँ तो यहाँ पर 3,562 आपके टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पर फॉर्म देख सकते हैं आप 3,81,664 आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको 107 छात्रों के साथ यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन समझ में आ रहा है, ठीक है। हाजीपुर में अभी तक आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आप न्यू दिल्ली से डाल सकते हैं। न्यू दिल्ली में जो है ज़्यादा कॉम्पिटिशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सीटें ज़्यादा है, ठीक है। अगले जोन की तरफ बढ़ते हैं, अगले जोन में देखेंगे किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं। अगला जोन है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में देखें तो यहाँ पर 4,019 आपके टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 3,75,639 यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और आपका यहाँ पर अगर बात करूँ तो 93 छात्रों के साथ यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन करना होगा, ठीक है। तो तैयारी को अपनी बेहतर बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन हर जोन में आपको कॉम्पिटिशन इस बार ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार हमारे भारत में कमी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी जो है अच्छे से करिएगा, बहुत ही मतलब यहाँ पर ज़्यादा तैयारी की आप लोगों को ज़रूरत है दोस्तों। इतने जोन का डाटा हमारे पास आया हुआ था, मैं 12 बजे आप लोगों को एक वीडियो दूंगा जिसमें जो है पूरे 16 जोन, यहाँ पर लगभग हमने 10 जोन को देखा है, ठीक है। पूरे 16 जोनों का डाटा आप लोगों को दूंगा, डाटा सही मिले तो ठीक है, गलत डाटा देने से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो इसलिए मैंने जितने मेरे पास सही डाटा थे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है हमने जो PDF आप लोगों को बताया हूँ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF मिल जाती है, जो कि फ्री में दिया जाता है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।